अविनाश ने पूछा कि लगेज वाले डिब्बे में चले, तो भाई ने क्या बोला, प्लान को चेंज कर दिया इस भाई ने फिर से। ये भाई इतना प्लान चेंज करता है, इतने तो दिल में कपड़े चेंज नहीं करता इंसान। कैसी बात कर रहे हो यार शैलेश भाई, और पूरी रास्ता चलने के बाद आधी रास्ते के बाद पूछ रहे हैं कि हम जा कहाँ रहे हैं। भाई रोस्ट पे रोस्ट हुए जा रहा है, इतना रोस्ट हो जा रहा है, कोई सीन होता है, कोई बच्चोदी होती है, क्या हो रहा है? डंडे मार रहा था, मैं बैठने वाला था, डंडा पड़ा, ये सीन कट गया। तो हेलो गाइस, जैसे कि मैं अभी शैलेश भाई के स्टूडियो पे आया हूँ, तो शैलेश भाई आज मथुरा जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे अपना प्लान बताया और शैलेश भाई अपनी पैकिंग करने स्टार्ट भी कर दिए, और इन्होंने मुझे अपना प्लान बताया। फिर एट रैंडम मैंने भी बोला ठीक है, मैं भी चलता हूँ मथुरा, ज़रा गलियों में घूम के आएंगे और आपको कुछ अच्छे अच्छे शॉट्स भी दिखाएंगे वहाँ पर कि हमने क्या एक्सप्लोर किया वहाँ पर। अभी जाके अभी हम घर जाएंगे मैं और अविनाश, वहाँ से हम लोग बाइक अपनी खड़ी करके, हमारे साथ एक और भाई हैं अपना भाई, वो हमें ज्वाइन करेंगे, वो हमें यहाँ पर लेकर आएंगे, फिर यहाँ से हम ट्रेन पकड़ेंगे। हमारी ट्रेन है 5:30 पे और टाइम हो रहा है अभी, देखो मेरा घड़ी हमेशा ये दिक्कत दे जाता है कभी कभी, 4:41। तो अभी टाइम 4:41 हो रहा है, ट्रेन हमारी 5:35 पर है, तो अब मिलते हैं थोड़ी देर में। तो टाइम 5:18 हो रहा है और शैलेश भाई हमें मिल चुके हैं। अरे क्या डाल रहे हो, अरे भाई, और ये देखो हमारे माता जी, इनसे थोड़ा बच के रहना है अविनाश को। जय श्री राधे। और ये हमारा यहाँ से अब सफर शुरू हो चुका है, हमारी ट्रेन 5:35 पर है। और शैलेश भाई कैसा लगा एक रैंडम प्लान? प्लेटफॉर्म नंबर क्या है इसमें, पहले प्लान बनाया भाई, प्लेटफॉर्म नंबर अपनी 5 पे आएगी। और भाई एट रैंडम प्लान इन भाई ने बनवाया सारा सब कुछ, कुछ नहीं कहना है। जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे 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 कहना, पूरी परिक्रमा, पूरी परिक्रमा में जय श्री राधे कहना है। क्या चचे नाम है उनका। अविनाश ने पूछा कि लगेज वाले डिब्बे में चले, तो भाई ने क्या बोला, तुम तो हो ही लगेज, तुम तो हो ही लगेज, तुम लगेज में ही जाओ। ललेज सुबह से भाई ने समोसा नहीं खाया, लगेज नहीं लग रहा इंसान, ये भाई लगेज लग रहा है, क्या लग रहा है, से भी दिखा रहा है कि हाँ पूर्ण रूप से लगेज। ट्रॉली बैग बना दिया भाई को, भाई रोस्ट पे रोस्ट हुए जा रहा है, इतना रोस्ट हो जा रहा है कि जल गया है ये रोस्ट हो के। डिलीट करो ये सीन, कट कर ये कट कर देना, ठीक है भाई, आगे और रोस्ट करेंगे तब फिर बताएंगे आपको। पूरी रात का रोस्ट करेंगे, पूरी रात जला देंगे इसे, फूंक देंगे। अरे यार वीडियो में सब है भाई को रोस्ट करे जा रहा है, भाई करे जा रहा है अब गले लगा के। मैंने माफ कर दिया, माफ को रोस्ट इसलिए कर लेते हैं ताकि चाचा बुरा भी नहीं मानते, अगर बुरा मानते चाहिए तो होते तो हम नहीं करते। अच्छा चेताता भाई, चचा है ये, इनके चचा है ये, चेतते नहीं चेताते हैं चचा, बाजी कर दिख भी नहीं रहा चचे को ऐसे पोज बन गया ये लुक दे दिया लुक एकदम। अरे मेरे को कैप्चर करा, मैं कोई सेलिब्रिटी हूं नहीं, रोस्ट मटेरियल शाहरुख खान समझ लिया, तो मैं इसलिए कैप्चर किया जा रहा ताकि आने वाले समय में तुम सेलिब्रिटी बनो, सेलिब्रिटी होते तो शाहरुख खान समझ रहे थे। देख इस कैमरे में तू गोरा ही आ रहा है, टेंशन ना ले, गोरा आ रहा हूं हम, मैं बाती कर मेरे में ट्रांसफर कर दियो ना तुरंत। कैसी बात कर रहे हो यार शैलेश भाई, इसकी वीडियो काट देना। तो 5:45 हो रहा है टाइम और हमारी ट्रेन चल दी है मथुरा के लिए, और सैड हमारी ट्रेन यहाँ से चल दी, और ये देखो भाई गेट पकड़ लिया अपने अपने इन्होंने। ओ भालू, भालू भाई गप्पू का तो रहा, ये देखो शैलेश भाई, मजा आएगा, मजा ठीक है तो मजा लेंगे पूरा पूरा। वाइड एंगल कर दो उसका, ले भाई
तो ठीक है भाई, मिलते हैं थोड़ी देर बाद सफर में फिर से। कोई सीन होता है, कोई बच्चों होती है, क्या हो रहा है? बैठने वाला था, गंदा पड़ जाता। अच्छा, पुलिस वाले गेट पे बैठने वालों की टांगे तोड़ रहे हैं। भाई बजिए अपना। टाइम हो रहा है 8:27 और हम पहुंच गए मथुरा कैंट, और हमारी ट्रेन मथुरा कैंट पर रुकने वाली है। अब यहाँ से आधे घंटे नहीं लगेंगे हमें, मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे। हम लोग जंक्शन पहुंचने वाले हैं, और हम लोगों को लग रही है बहुत तेज भूख, इतनी तेज कि बहुत तेज। कुछ खिलवाओ पहले यार, पनीर खिलवाओ, छोले खिलवाओ, चावल खिलवाओ, तब कुछ मजा ना आए यार, पेट में चूहे कूद रहे हैं। इसको कुछ खाना है। ये देखो नजारे के मजे लेते हुए एकदम तगड़ा। तो अभी मथुरा पहुंचने वाले हैं, मथुरा पहुंच के आपको बताते हैं थोड़ी देर में। प्लान को चेंज कर दिया इस भाई ने फिर से। ये भाई इतना प्लान चेंज करता है, इतने तो दिन में कपड़े चेंज नहीं करता इंसान। फिर से इस भाई ने प्लान चेंज किया। मथुरा जंक्शन पे उतरना था, लेकिन हमें कहाँ उतार दिया? छावनी पर। टाइम लगेगा लेकिन भाई ये गलत है। कपड़े से याद है तुम्हारे प्लान चेंज होते हैं। इसी चीज में तो मजा है। चलो इन्हें मजा है तो हमें भी मजा है, लेकिन बाद में मिली सजा है। तो जैसे कि हम लोग कितने बजे हैं अभी, टाइम हो रहा है अपना 8:29 और हम आ गए हैं मथुरा कैंट। टिकट नहीं थी तो एकदम पीछे वाले गेट से आ रहे हैं। नहीं, हम पर टिकट थी, चारों पर टिकट थी। विदाउट टिकट ट्रेवल ना करें, ये हानिकारक है, ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा ही हानिकारक हो सकता है। क्या हो गया? पानी बोतल, 3 लीटर की बोतल लूंगा। श्री कृष्ण की कृपा से हम और पानी की बोतल ले लेंगे। ठीक, मैं बाजीगर, सबसे अलग सबसे। तो 9:50 टाइम हो रहा है और हम गोवर्धन चौराहे पे आ चुके हैं, और हमने खाना वाना खा लिया। मिलो तो खा दो ऐसा करके कैमरा। और हमने खाना वाना भी खा लिया, और सेटअप गोवर्धन चौराहे पे उतर चुके हैं, और यहाँ से हम प्रकम्मा स्टार्ट करने वाले हैं थोड़ी बहुत देर में। गोवर्धन चौराहे से हम गोवर्धन जा रहे हैं, यहाँ से प्रकम्मा स्टार्ट कर। हाँ वही मैंने बोला था कि हम यहाँ से प्रकम्मा स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर बाद। अब देखते हैं यहाँ के नजारे। टाइम हो रहा है 10:37 और ये देखो हमारा लगेज। हमें बाजीगर, स्टार्टिंग जर्नी में ही हमने बताया था कि हमारे संग लगेज है, तो ये हम लगेज की तरह ही लेके आए इस बंदे को। और हम लोग यहाँ पीछे बैठ कर आए थे। और शैलेश भाई क्या बोलना चाहोगे इस लगेज के बारे में? आप कुछ टिप्पणी देना चाहोगे? टिप्पणी लाए तू तो। हम गोवर्धन पर आ चुके हैं और हमारी प्रकम्मा स्टार्ट करने वाले हैं हम थोड़ी देर में। भाई ये हमारे ऑटो वाले भैया, अब भाई इनका हिसाब करो। और पूरी रास्ता चलने के बाद, आधी रास्ते के बाद पूछ रहे हैं कि हम जा कहाँ रहे हैं। गंदा, बहुत गंदा। तो समय 11:29 मतलब 11:29 हो गया है, और हमने गोवर्धन की प्रकम्मा स्टार्ट कर दिए। ये लोग यहाँ पर नहाए और ये फ्रेश फ्रेश हुए, उसके बाद हम लोग यहाँ से अब प्रकम्मा के लिए चल दिए हैं। हमने जूते स्टैंड में रख दिए हैं। अब देखते हैं प्रकम्मा में क्या सीन रहता है और कैसे कैसे हमारे साथ क्या क्या होता है। चलो चलते हैं।